तो भाई जी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं बागड़ धाम। आप सामने का दृश्य देख रहे हो और ये पीछे की साइड का दोस्तों बैरिकेडिंग पूरे के पूरे मंदिर में हो चुकी है और ऊपर टेंट के ऊपर दोस्तों यहां कनात लगा दी गई है और आपको पुलिस प्रशासन भी काफ़ी दिख रही है। दोस्तों आज 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन मेला स्टार्ट होता है, तो आज मेले का उद्घाटन होना है। देवस्थान विभाग के जो मंत्री है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। चलिए मैं उस स्थान पर ले चलता हूँ और आपको जो उद्घाटन का प्रोग्राम है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी भक्तों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि मेला जब स्टार्ट हो तो उसकी वीडियो अवश्य डालें। ये देखिए दोस्तों, बागड़ धाम में काफ़ी भक्तों का आना जाना चालू है। आज इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि आज दोस्तों रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के होने के कारण यहाँ आज पब्लिक कम दिखाई दे रही है। ये दोस्तों मैं आ चुका हूँ बागड़ धाम के बिल्कुल आगे और इस साइड का दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहीं उद्घाटन प्रोग्राम होने वाला है। दोस्तों अभी सुबह 9 बजे का समय है और जो उद्घाटन का प्रोग्राम है वो 9:30 बजे यहाँ होगा। दोस्तों बागड़ मेले की तैयारियाँ हो चुकी है, उसके साथ साथ आप सामने देख सकते हो मंच लग चुका है और उद्घाटन की भी तैयारियाँ यहाँ पूर्ण रूप से हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, जो मंत्री है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और जो प्रोग्राम होगा उसका पूरा का पूरा दृश्य मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये देखिए दोस्तों, भक्त लगातार बागड़ दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और एक बड़ा संघ आते हुए आप सामने देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, मंच यहाँ तैयार हो चुका है और कुर्सियाँ भी लग चुकी है। कुछ ही देर के बाद यहाँ मेले का आगाज होने वाला है, उद्घाटन होने वाला है। ये आपको मैं चारों ओर का व्यू दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये सिद्ध पीर बाबा हाजी रतन जी की कुटिया का सामने का दृश्य है दोस्तों। चलिए मैं आपको मंदिर के ऊपर ले चलता हूँ और वहाँ का दृश्य आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूं ऊपर और यहां से चारों ओर का जो नज़ारा है वो आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए दोस्तों, यहां मंच लग चुका है और तिरंगा यहां फहराया जाएगा, क्योंकि दोस्तों देवस्थान विभाग के अंडर गोगामेड़ी का मंदिर आता है। इसका उद्घाटन हर साल कलेक्टर महोदय करते हैं और इस साल यहाँ जो मंत्री है देवस्थान विभाग के वो यहाँ आए हुए हैं। कुछ ही देर के बाद इनका प्रोग्राम होगा और झंडा रोहण के साथ ही मेले का आगाज हो जाएगा। तैयारियां चल रही है, आप सामने देख सकते हो। और दूसरी ओर जो भी भक्तजन यहां आ रहे हैं वो बागड़ में दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये आप सामने देख सकते हो दोस्तों, मेट बिछाई जा रही है, मेले की तैयारियां पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों आप देख सकते हो पीछे एक दमकल लगी हुई है जो यहां पानी का छिड़काव कर रही है। हालांकि आज मौसम काफ़ी सुहावना है, गर्मी नहीं है, उसके बावजूद यहां पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ये देखिए जो नोहर सोसाइटी धर्मशाला है उसके बिल्कुल बाजू का दृश्य है दोस्तों ये। ये दोस्तों यहाँ महंत रूपनाथ जी पहुँचे हैं। चलिए मैं आपको इनका भी व्यू दिखा देता हूँ। ये अभी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, वर्तमान में ये ग्राम पंचायत गोगामेड़ी के सरपंच भी है। सारा वही कंट्रोल करें, आराम से दर्शन करें।
मोबाइल बढ़ी रह गो बस ऐसा कहीं को तमाशा देखो बस थोड़ा सा पीछा इन्हें हो जाओ साइड में दोस्तों। ध्वजारोहण के साथ ही मेले का आगाज हो चुका है। 2022 का मेला स्टार्ट हो चुका है।